नमस्कार दोस्तों, डीबी डायलॉग के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज बात अडानी की करेंगे और गौतम अडानी के ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए हुए 2 महीने से भी ऊपर हो गया है। 24 जनवरी को आई थी और तब से अब तक उनके ग्रुप की जो मिल्कियत है, जो वैल्यू है उनके बिजनेस की, लगभग आधी से भी कम हो गई है। स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा गया। अडानी खुद 7,000 करोड़ का डीबी पावर नहीं खरीद पाए जो उनकी लिस्ट में था। $4 बिलियन का मुंद्रा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट रुक गया। इसराइल के हाइफा पोर्ट जो उनको मिल गया था उस पर काम रुका हुआ है फिलहाल। फ्रांस की एक बड़ी कंपनी ने उनको उनका फाइनेंस रोक दिया। बहुत सारी जैसे फ्रिंच है या और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस उनका डाउनग्रेड किया है। आज हम बात कर रहे हैं परंजय गुहा ठाकुरता जी से। परंजय जी, आपका स्वागत है डीबी डायलॉग के इस एपिसोड में। दोस्तों, परंजय गुहा ठाकुरता जी, मैं परंजय गुहा ठाकुरता जी के बारे में बता दूंगा हम क्यों बात कर रहे हैं इनसे। देखिए, 45 साल से भी ऊपर इनका अनुभव है कॉरपोरेट सेक्टर और पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। परंजय जी दशकों से लिखते आए हैं। अडानी पर इन्होंने काफी कुछ लिखना शुरू किया जब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक होके गए। कोई 5 या 6 आर्टिकल लिखे, इनका वहां बेस्तीफा हुआ। 6 राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, तीन राज्यों में अडानी ने इनके खिलाफ मुकदमे किए हुए हैं। एक बार तो नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हो गया। वही से शुरू करते हैं परंजय जी, कि ये मुकदमे क्यों हुए अडानी ग्रुप की ओर से आपके ऊपर और इसकी कहानी क्या है, फिर हम आपसे बाकी बातें करेंगे। प्रशांत जी, ये सवाल का जवाब गौतम अडानी जी आपको दे सकते हैं, क्योंकि क्यों उन्होंने किया ये जवाब उन्हीं के पास है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मेरे खिलाफ एक नहीं 6 मानहानि का मुकदमा, मानहानि का केस इस वक्त चल रहे हैं। थोड़ा सा आपने बोला दिल्ली वाला केस अभी कुछ नहीं चल रहा, 5 गुजरात में है, 1 राजस्थान में है। तो हम आपको बताएंगे 2017 का जून महीना में EPW में एक लेख आया था कि किस तरह से मोदी सरकार ने अडानी का जो कॉरपोरेट घराना है, कॉरपोरेट समूह है, इसको 500 करोड़ का फायदा मिला। क्योंकि जिस तरह से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उनका उनका जो बिजली का उत्पादन का जो प्रोजेक्ट है उसको फायदा मिला। और मैंने ये भी लिखा कि जो कस्टम्स ड्यूटी है, जो सीमा शुल्क है, हमारे वित्त मंत्रालय, हमारा वाणिज्य डिपार्टमेंट, इन्होंने एक रिफंड की एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो मेरा सवाल था कि आप पैसे दिया कि नहीं, ये पहले आप जानकारी लीजिए, उसके बाद आप जो रिफंड मांग रहे हैं आप कीजिए। तो उसके बाद ये पैसा नहीं मिला उनको, ये संसद में भी आया था। तो उस समय हम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक थे, वहाँ के जो ट्रस्टीज थे हमें बुलाया, क्योंकि एक वकील का चिट्ठी आया था और वकील का चिट्ठी मैंने जवाब दिया था। ये मानहानि का केस में जब ये सारे प्रेम पत्र आते हैं ना, तो बहुत लोगों का नाम होता है, प्रकाशक, संपादक, लेखक, सहलेखक, सबका नाम आया। तो प्रकाशक है समीक्षा ट्रस्ट, मैं एक वकील का, मेरा एक दोस्त है वकील, ने मुफ्त में वो के चिट्ठी का जवाब दिया, मगर मैं प्रकाशक यानी कि समीक्षा ट्रस्ट का अनुमति नहीं लिया। तो उन्होंने बहुत हमारे ऊपर नाराज हो गए, बोला कि तुमने, यू हैव कमिटेड एन एक्ट ऑफ ग्रेव इम्प्रोप्राइटी। तो मैंने बोला देखिए, मैंने ऐसे नहीं किया, मैं आपका बिना अनुमति ये चिट्ठी एक वकील साहब को जवाब देने के लिए कहा, कोई तकनीकी कारण के लिए शायद आप बोलते हैं ये मेरा कमियां है, मैं माफी मांग रहा हूं आपसे। उन्होंने हमारा बात के लिए आपको रोकेंगे कि उसी में ये हुआ कि आपके एक आर्टिकल को उन्होंने कहा कि इसको तुरंत अभी हटाओ, हाँ, हाँ, हाँ।
अभी आ और रहा हूं वहीं मैं, से आपका एक ही सीखा मिनट। हुआ। तो उस समय माननीय वहां का ट्रस्टीज है, उन्होंने बोला कि तुम, ये एक संस्था है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इनको कितना कमजोर किया, यू हैव डिस्ट्रॉय, तुमने इसको खत्म कर दिया, ये द इंस्टीट्यूशन, ये संस्था, जो इनका उम्र भारतवर्ष की उम्र है। ये भी बोला तुम अपने नाम में और दोबारा मत लिखो इसके, क्योंकि आपके पहले जो संपादक थे उन्होंने नहीं लिखा था। फिर बोला कि एक सह संपादक हम ला रहे हैं आप, और आखिरी जो चीज बोला, ये तुरंत ये लेख वेबसाइट से निकाल दो, और जब तक तुम नहीं निकाल रहे हो ये कमरे मत छोड़ो। तो निकलने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैंने टेलीफोन किया और फिर हम ट्रस्टीज को दिखाया, देखिए एरर 404, यानी कि और लेख आप नहीं पढ़ सकेंगे। तो मैं उनसे कोरा कागज मांगा और मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, मगर वही लेख वायर ने प्रकाश किया। तो ये जो मानहानि का जो केस चला वो वायर के खिलाफ चला, मेरे खिलाफ चला, मेरा सहलेखा के खिलाफ चला, ये जो सिविल मैटर था ये भुज में था। तो वहाँ पे एक राय, वहाँ का मैजिस्ट्रेट बोला कि उनका अदानी का जो वकील बोला कि ये लेख या वायर से हटा दो। तो वो मुंद्रा का जो मैजिस्ट्रेट है, सॉरी मुंद्रा नहीं, भुज का जो मैजिस्ट्रेट साहब है, उन्होंने बोला नहीं, लेख रहने दीजिए, एक शब्द और एक सेंटेंस ये हटा दीजिए। तो वायर ने किया, आपका पाठक पढ़ सकते हैं, मोदी गवर्नमेंट्स 500 करोड़ बोनांजा टू अडानी। वो वकील का जो आदेश है वो, सॉरी मैजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, चला मैं अदालत में गया। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव का नतीजा आने वाले थे, मई 2019 चुनाव खत्म हो गए थे। अचानक, और सब लोग आश्चर्य हो गए, मैं भी आश्चर्य हो गया, कि सारे लोग का खिलाफ वापस ले लिया केस अडानी जी का वकील, वायर हमारा सहा लेखक, सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं लिया, वो मैं। तो ठीक है, तो मेरे को जाना पड़ा, ये नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया हमारे खिलाफ जनवरी में, क्योंकि मैं अदालत में हाजिर नहीं था, वो कोरोना काल चल रहे थे। मेरा वकील ने बोला ये तो गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर अदालत में कोई नहीं आता तो आप बेलेबल वारंट इशू कर सकते हैं, बिना जमानत के वारंट, जमानत का वारंट नहीं इशू कर सकते। तो फिर ये मैं घर पे, घर से बाहर चला गया, क्योंकि हमारे वकील साहब ने कहा अरे ये नॉन बेलेबल वारंट है, तुम्हारे घर पहुंच सकते हैं पुलिस वालों और हथकड़ी लगा के तुम्हें जेल ले जाएगा। तो मेरा बीबी हैरान हो गया, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा बहन, सब लोग अत्यंत चिंतित हो गए। तो मैं कुछ 9 दिन के, 9 रात के लिए बाहर रहा। तो फिर हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से स्टे मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अदालत पहुंचा फरवरी में एक बार, फिर मार्च में पहुंचा, मजिस्ट्रेट साहब को बोला हाँ आरोपी हाजिर है। मार्च 2021 के बाद एकदम खामोश है, आगे नहीं बढ़ा। ये तो ये दो केस है प्रशांत जी, दो और केस है, ये मानहानि है, क्योंकि न्यूज क्लिक पोर्टल में मैं, मेरे साथ आबिर दास गुप्ता और न्यूज क्लिक एक लेख लिखा है, ये है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश थे। तो ये एक तो हेडलाइन उनको पसंद नहीं आया अडानी जी को, कि उसमें लिखा है कि जस्टिस मुंद्रास 8,000 करोड़ पार्टिंग गिफ्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स गिफ्ट टू अडानी। तो बोला आपने अदालत का मर्यादा को मिट्टी में कर दिया, यू हैव लोअर्ड द एस्टीम ऑफ द जुडिशरी इन द आईज ऑफ द पब्लिक। तो ये केस भी चल रहे हैं गुजरात में, और सितंबर 2020 में मेरा मुंह बंद किया गया, गैग ऑर्डर आ गया। ये 4 केस हो गया, एक केस और है गुजरात में चल रहे हैं, वो अपना एक वेबसाइट है उसमें आए हैं, और जो छठा केस है वो राजस्थान में चल रहा है, जो न्यूज क्लिक का संपादक प्रवीर पुरकायस्थ, उनका उम्र 75 है, उनके साथ एक शेयर होल्डर है, उसके कुछ ही लेख में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनको बुलाया, मेरे को बुलाया, मेरा सह लेखक आबिर दास गुप्ता को बुलाया। हम लोग को दिल्ली से 700 किलोमीटर कोटा जाना पड़ा, दिल्ली और मुंबई के आधा रास्ता, वहां से 100-150 किलो, 120 किलोमीटर एक और जगह जाना पड़ा, बनास जिला में, वहां ग्रामीण न्यायालय, वहां पे भी हम लोग जमानत के लिए, श्योरिटी के लिए हम पहुंच गए हैं। तो ये हम, मैं समझता हूं
ये सारे केस हम लोग को हैरान करने के लिए कर रहे हैं। क्यों बरा में, बरा ज़िला में क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे अडानी का एक बिजली उत्पादन का एक कारखाना है। अंग्रेजी में इसका नाम है स्लैप्स, स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो आप हमें हैरान करने के लिए बाकी लोग को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम कैसे परंजॉय के खिलाफ कैसे केस कर रहे हैं, आप भी बात मत कीजिए। आप सवाल उठा सकते हैं, अब क्यों मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ? इसका दो कारण है। मेरे को मालूम पड़ा कि मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मेरा खिलाफ एक नहीं छः केस चल रहे हैं। भारतवर्ष में ऐसा नागरिक कहीं नहीं है, अडानी जी का वकील छः मानहानि का केस चला रहे। दूसरी बात है, तो 24 जनवरी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, मैं वो 32,000 शब्द का रिपोर्ट पढ़ने के लिए मैं आश्चर्य हो गया। मैं अकेला पत्रकार हूँ, मेरा नाम है उसमें, मीडिया संस्था का नाम आया। मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ एजेंसीज के नाम है, कुछ साइटेशंस हैं, लेकिन आप अकेले एक इंडिविजुअल हैं जिसमें आपका नाम है, उसका रेफरेंस क्या है और वो नाम कैसे है वहां पे आपका? वहां पे हिंडनबर्ग ने उनके रिपोर्ट में 88 सवाल उठाया था अडानी जी को, उसमें 84 नंबर सवाल में, 84 नंबर क्वेश्चन में मेरा नाम है कि अडानी जी आप कहते हैं कि आप अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, यू आर वेलकमिंग क्रिटिसिज्म, तो आप क्यों पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुर को गिरफ्तार करने का कोशिश किया? व्हाई डिड यू टेक एक्शन अगेंस्ट क्रिटिकल जर्नलिस्ट टू अरेस्ट हिम? तो कुछ दिनों के बाद जब जवाब आया, अडानी जी कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, ये अदालत, ये जज साहब का काम है, तो ये सब उन्होंने जवाब दिया। तो मैंने सोचा ये जो पूरा कहानी है हमको बताना ज़रूरी है। ठीक है, मेरा मेरा मुंह बंद है, गैग ऑर्डर है, मगर जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है, जो असलियत है, जो वास्तव है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। क्यों मेरा नाम आया? क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी स्वाधीन पत्रकार है। हम लोग का लेख आज नहीं, लगातार 7 साल से आ रहे हैं। वो सारे रिपोर्ट से, उन्होंने वो रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में साइटेशंस है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने अपना वेबसाइट में paranjoy.in में जो कारण दिखाओ नोटिस है, जो DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का नोटिस है, ये सब है। वो सैकड़ों पन्ने का रिपोर्ट जो शो कॉज नोटिस है हमारा वेबसाइट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंडनबर्ग हमारे वेबसाइट से मिला, मगर ये सार्वजनिक मुझे मालूम है कि मैं 5 साल पहले किया। उस समय कुछ लोग हमें कहा कि भैया ये सब रिपोर्ट लिखने के क्या फ़ायदा हो रहे हैं। तो अचानक 24 जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आया, अगला दिन अडानी जी का कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ का जो पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, शेयर का कीमत एकदम डूब गया और कुछ दिनों के बाद ये 20,000 करोड़ रुपया मिलने के बाद उन्होंने बोला सारे पैसा हम वापस दे रहे हैं। इसके पीछे भी एक लंबा कहानी है, अगर आप चाहते हैं हम बता सकते हैं आपको। परंजीत जी, आपसे समझना ये चाहेंगे कि अडानी साहब को आप क्योंकि लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं उनको, उनका शुरुआत में डायमंड का बिजनेस था जो उनका पुश्तैनी बिजनेस था, वहाँ से वो मुंद्रा पोर्ट में गए, उसके बाद तो एयरपोर्ट, पेट्रोकेमिकल, कोयला, पावर, कोई सेक्टर बचा नहीं कि वो उसमें ना जाए। और प्रशांत जी, सेब लगाइए, खाने का तेल लगाइए, गैस लगाइए, रियल एस्टेट लगाइए, सिर्फ हवाई जहाज का बंदर नहीं है, हवाई अड्डा नहीं है आपका, वो क्या कहते हैं, समुद्र बंदर भी है, क्या क्या नहीं है, और भारत बंदर नहीं। हाँ, ये इजराइल में आपने जैसा किया, पिछले 10-15 साल में या मोदी साहब के चीफ मिनिस्टर रहते हुए और खासकर 2014 के बाद से इनकी जो कहानी आगे बढ़ी है, इसको कैसे आप, क्योंकि आप पॉलिटिकल इकोनॉमी पे लिखते हैं और क्रोनिक कैपिटलिज्म पे भी आपका कई और कई लेख आए हैं, कई बातें आप करते हैं, ये कैसे इतना बढ़े, कहानी क्या है,
जैसे एक आज एग्जांपल भी देखिए कि जैसे बॉम्बे का जो वो लिया गया, मुंबई का जिस तरह से लिया गया एयरपोर्ट, वो कहानी क्या है, कैसे बढ़ते हैं, कैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के देखिए चलते हैं? प्रशांत जी, ये कहानी के सुनने के लिए हमारे एक किताब आएगा। अभी हमारा काम चल रहा है, कम से कम 500-600 पन्ने का किताब आएगा। ये बहुत लंबा कहानी है। आपने ये कहानी का कुछ अंश आपने बताया लोगों को, ठीक कहा आपने। 20 साल पहले अडानी जी का नाम किसी ने नहीं सुना था। वो डायमंड का बिजनेस था, हीरा का बिजनेस था, आयात निर्यात करने का था, उनका परिवार का प्लास्टिक का बिजनेस था। मगर आप बिग पिक्चर देखेंगे, बड़ा जब छवि देखेंगे, देखिए भारतवर्ष के इतिहास में जो बड़े बड़े पूंजीपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति, उनके साथ हमारे देश का नेता, राजनीतिक दल का बड़े बड़े नेता का साथ एक घनिष्ठ संपर्क था। आज नहीं, भारतवर्ष का जन्म होने के पहले ही। आप भूलिए मत, महात्मा गांधी जी को हत्या किया गया कहाँ पे, घनश्याम दास बिरला जी का मकान में। और आप किसी वक्त पढ़िए गांधी जी ने क्या लिखा, क्यों उन्होंने बिरला जी का मदद लिया था, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए टाटा उस घराना बोलिए, बिरला का घराना बोलिए, अंबानी जी का घराना बोलिए, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता कुछ दशक लगा इनको बहुत बड़ा होने में। और इन्होंने भी, जी इनका अलग अलग अर्थव्यवस्था का अलग अलग जगह में इन्होंने चले गए थे। मगर जिस रफ्तार से अडानी जी का जो घराना, अडानी जी जो समूह, जिस रफ्तार से बड़ा, सब लोग को आश्चर्य कर दिया। दूसरी बात है कि देखिए अलग अलग सेक्टर में पहुंच गया, जैसे आपने अभी अभी कहा, और इससे भी ज्यादा लोग आश्चर्य हो गए, एक रिपोर्ट निकालने के बाद जिस रफ्तार से उनका शेयर का लीजिए कीमत गिरा, यह भी लोगों को अत्यंत आश्चर्य कर दिया। तो आप देखिए, हम क्रोनी पूंजीवाद का बात करते हैं कि ये सचमुच पूंजीवाद नहीं है। सरकार के और जो सरकार में है, जो सत्ते में है, जो बड़े बड़े राजनेता है, उनके कोई दोस्त, उनके कोई रिश्तेदार, उनके कोई जाने माने लोग इनको ज्यादा मदद कर रहे हैं। सरकार का नीति, सरकार का नियंत्रण का तरीका, सरकार का अलग अलग संस्था इनको मदद करते हैं। तो हम सोचते हैं हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। सिर्फ नियंत्रण की बात नहीं है, सिर्फ क्रोनी पूंजीवाद का बात नहीं है, ये एक तरह ओलिगार्की है। इसका मतलब क्या है? सरकार या प्रधानमंत्री या हमारे राजनेता जो सत्ते में हैं, और हमारे जो उद्योगपति है, जो व्यवसायी है, जो पूंजीपति है, इनमें क्या फर्क है? इनमें तो फर्क आज नहीं हम देख रहे। मैंने नहीं कहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा ये मोदी जी का पैसा है या अडानी का पैसा। मैंने नहीं, ये आरोप इन्होंने लगाया। जयराम रमेश कांग्रेस का प्रवक्ता, उन्होंने बोले केंद्रीय मंत्री टेलीफोन किया बड़े बड़े जो हमारे पूंजीपति है उनको बोला कि भाई अडानी का शेयर इशू में पैसा डालो। ये सब आरोप आज चल रहे हैं। मेरा कहना है देखिए, ये सारे जो सूचना ये सरकार के सामने है, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको जांच करना जरूरत है। आज नहीं, 1.5 साल पहले लोग लिख रहे थे। मैंने लिखा, मेरा साथ रवि नायर ने लिखा, इकोनॉमिक टाइम्स में लेख आए हैं, सीएनबीसी में कुछ प्रोग्राम आए हैं। सरकार क्या किया या नहीं किया, ये प्रश्न का जवाब सरकार दे सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी क्यों खामोश है, मोदी जी क्यों नहीं कह रहे, इनके खिलाफ कितने आरोप लग रहे हैं। और देखिए क्या हुआ, राहुल गांधी ने संसद में बात किया, वो भी सांसद का रिकॉर्ड से हटा दिया। मैं समझता हूँ ये लोग आश्चर्य हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले भी देख लिया, यूट्यूब में सब कुछ है। क्या आप जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री, आप क्या चाहते हैं ज्यादा लोग देख लें? आप इसको एकदम निषिद्ध कर दिया, एक कुछ एक बार आप निषिद्ध कर देते हैं ज्यादा लोग देखने चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ एक तरह से अहंकार, जो लोग अहंकार होते हो जाते हैं ज्यादा, कभी कभी बेवकूफी कर देते हैं। और ये जो जैसे राहुल गांधी का जो भाषण को लोकसभा का रिकॉर्ड से हटाना, बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री,
जिस तरह से आप देखिए शाहरुख खान दीपिका का पिक्चर पठान को बोला लोगों को मत देखिए, जिस तरह से पवन खेरा का गिरफ्तार करने का कोशिश है, ये चार ही उदाहरण मैंने दिया। हमें लग रहा है इतना अहंकारी किसी को होना नहीं चाहिए कि आज सबके सामने लग रहे हैं आप बेवकूफी कर रहे हैं। आप क्यों, हाँ आप समझे जी, जानते हैं ये क्योंकि सब। आप क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी पे आप काफ़ी लिखते हैं, और थोड़ा दर्शकों को हम समझाएं हिंदी में कि पहली बात कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, एक अच्छा बात। दूसरी कि ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है और खासकर शेल कंपनीज के जरिए, ये क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि हर्षद मेहता का मामला हुआ, केतन पारिक का मामला हुआ, अमेरिका में रजत गुप्ता नाम का एक जो है इनसाइडर ट्रेडिंग करने पे जेल चले गए 2 साल के लिए। ये दोनों चीजें अब इससे हैं क्या पहले जिसको आप हिंदू हरिदास मुंद्रा जी का केस मत भूल जाइए, 50 का जी दशक में हुई थी। नेहरू जी अपना वित्त मंत्री का इस्तीफा दिया उस समय, टी टी कृष्णाचारी। या टी जी के काम अब जी आपने हमें तीन जी सवाल, शॉर्ट सेलिंग क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है और शेल कंपनी क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूं सरल भाषा में आपको समझाने के लिए। देखिए शेयर बाजार में जब लेना होता है, लेन देन चलता है, किसी को बेचना है किसी को खरीदना है, समझ लीजिए कि आप खरीदने वाले हैं और मैं बेचने वाला हूं। आपको मैंने बोला ये है हमारे पास 100 रुपया का संपत्ति, मगर हमारे पास सिर्फ 80 रुपया का संपत्ति है। मैंने बोला आप हमसे ले लीजिए, हम बाकी जो है 20 रुपया का संपत्ति आपको हम दे देंगे, मगर हमें मालूम है कि कल ये 100 रुपया का संपत्ति का बाजार में कीमत 80 नहीं 60 रुपया गिर जाएगा। तो आपको मैंने 100 रुपया का संपत्ति बेचा, शेयर बेचा, जो आज था उसका कीमत 100, कल हो गया 60, मगर हमारे पास तो सिर्फ 80 रुपया का माल है, तो ठीक है मेरा फायदा हो गया, नेशनल गेन हो गया। तो एक तरह से देखिए शेयर बाजार में एक जुआरी का अड्डा भी होता है, तो बेटिंग चलता है, जो शॉर्ट सेलर है वो बेट करते हैं कि ये शेयर का कीमत कम हो जाएगा। तो हिंडनबर्ग ने यही काम किया और उनका रिपोर्ट में उन्होंने लिखित रूप में दिया कि हम ये करने वाले हैं, हम शॉर्ट सेलर हैं, हम एक्टिविस्ट हैं। और आप जाइए, अडानी जी ने धमकी दिया कि हम न्यूयॉर्क में अदालत में ले जाएंगे, मगर अभी अभी तक तो नहीं ले गया। और हिंडनबर्ग वालों कहा कि हाँ भाई आइए, आज आ जाओ, आप केस कीजिए न्यूयॉर्क में, हम और भी आपको कागज दिखाना पड़ेगा। तो शॉर्ट सेलिंग यही है, एक तरह का तकनीक है जो एक जुआरी आपके साथ खेल खेल रहे, वादा ले रहे, मगर बेटिंग चल रहे, और जो जीत जाते हैं उसके पास फायदा होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे लेख हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा, 32,000 शब्द का लेख है। पता नहीं हमें कि हिंडनबर्ग का रिसर्च कितना पैसा कमाया, इतना मुझे मालूम है कि हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं आया, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसमें जैसे आपने रजत गुप्ता का नाम भी किया, आप एक कंपनी का डायरेक्टर है, आप अंदर का खबर आपके पास है, आपको मालूम है एक खबर कल सार्वजनिक एक मंच से घोषणा होगा जिसका एक असर पड़ेगा शेयर बाजार में, बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है, आप ये होने का पहले किसी को बता दिया तो इनसाइडर या गोपन खबर आप दे दिया लोगों को, ये गैर कानूनी है, सेबी का जो नियम है इसके खिलाफ है। आखिरी बात है कि शेल कंपनी क्या है। विश्व में बहुत सारी जगह है इस विषय के ऊपर, मैंने किताब भी लिखा है, 80 जगह है कम से कम जहां इसमें द्वीप भी है, जहां पे कंपनीज रजिस्टर करता है, ये नाम के वास्ते कंपनी है, इसका काम है एक जगह से दूसरा जगह पैसा, ये वॉशिंग मशीन का काम है, काला धन को सफेद करना। मॉरिशस में है, सिंगापुर में है, साइप्रस में है, ऐसे मैंने कहा 80 जगह है, एक एक देश के अंदर भी है, जैसे अमेरिका के अंदर आपका ऐसा भी जगह है जहां पे ये काम चलता रहता है। तो मेरा कहना है शेल कंपनीज है,
एक दिखाने के लिए एक अकाउंटेंट या एक वकील का दफ्तर में कुछ कंपनी के ना, एक किसी का नाम में एक कंपनी है, मगर इस कंपनी का काम ये नहीं है कि हम कुछ खरीद लेंगे, कुछ बेच लेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ उत्पादन करेंगे। इसका काम इतना ही है काला धन को सफेद करना, एक जगह से दूसरा जगह पैसा इधर से उधर घुमा के ले जाना। और यही है, हम बहुत सारे कंपनी का नाम आए हैं हिंडनबर्ग में, आरोप है कि आपने सेबी का कानून का उल्लंघन किया, गैर कानूनी काम किया, अपना ही कंपनी से आप अपना ही शेयर को बाजार में बनाइए, ये बहुत सारे आरोप है और भी बहुत आरोप सारे है। कंपनीज में तो इनके भाई ये शामिल हैं, विनोद अडानी भी। जी और इसमें एक और मामला जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आता है परंजय जी, कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में है कंपनी, वो 75% से ऊपर शेयर जो है अपना 25% से ऊपर नहीं रख सकती है, पब्लिक उसको शेयर होल्डिंग होती है। अडानी की कई कंपनियां इस लिमिट से ऊपर है, तो ये सेबी को क्यों नहीं दिखाई दिया अभी तक? ये सवाल आप जरूर सेबी से पूछ लीजिए, क्योंकि ये जवाब इस सवाल का जवाब मेरा पास नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारे साथ काम करते हैं हम दोनों, रवि नायर ने आज नहीं 1.5 साल पहले लिखा है, महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस का सांसद है वो सेबी का चेयरपर्सन को आज नहीं 1.5 साल पहले लिखा था, वही सवाल उठा रहे हैं, सेबी आप क्या कर रहे हैं, सेबी आप कुछ कहिए, आप क्यों खामोश है। आपने विनोद अडानी जी का बात किया, देखिए विनोद अडानी पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो जवाब आया तो अडानी जी कहा ये हमारे कंपनियों में कोई प्रबंधन का काम नहीं करे, कोई मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाद में जब लोग दिखाया कि आप जिस तरह से होलसिम जो स्विट्जरलैंड का कंपनी है और ये कंपनी खरीदने के बाद आप भारतवर्ष के दूसरे जगह में पहुंच गए सीमेंट उत्पादन, यू बिकेम द इंडिया सेकेंड बिगेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर, किस तरह से किया, तो उसमें विनोद अडानी का नाम आ गया। इसके साथ आते हैं जैसे आपने कहा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आपका कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपका शेयर बाजार में कोई भी खरीद सकते हैं, कोई भी बेच सकते हैं, तो आपका स्टॉक एक्सचेंज का कुछ नियम होता है, सेबी का कुछ नियम होता है कि आप अपना भाई के साथ कुछ कारोबार करेंगे, आप ऐसा कंपनी के साथ आपका लेन देन है जो आपके आपके रिश्तेदार हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये सार्वजनिक करना पड़ेगा, सबको बताना चाहिएगा। आपने बताया नहीं, अगर आप ये बताया नहीं तो आप ये गैर कानूनी काम किया, यही आरोप है। और भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने जैसा कहा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सेबी का नियम यह है कि अगर आप सचमुच अपने आप को FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहेंगे, आपका पंजीकरण हुई है सेबी का खाता में, यू आर रजिस्टर्ड विद द सेबी, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये अपने आप को आप कहते हैं हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है और ज्यादा से ज्यादा मेरा निवेश है 90%, 95%, एक समूह एक घराना का कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं, अगर आप किया तो ये सेबी का नियम का उल्लंघन आपने किया। तो ये सारे जो आरोप है ये सरकार का काम है, मैं नहीं, वित्त मंत्रालय का DRI है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इन्होंने आरोप लगाया कि आप कोयला आयात किया, आपने बिजली उत्पादन के लिए आपने अलग अलग तरीका का जो क्या कहते हैं जो जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, आपने विदेश से आयात किया, तो आप एक जगह से दूसरा जगह, यहाँ से तीसरा जगह, आपका इनवॉइसिंग या यहाँ से वहाँ, वहाँ से या, और आपने कर नहीं दिया, आप सरकार को ठीक तरह से नहीं बताया, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग, ये आरोप मैंने नहीं किया, ये DRI ने किया, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टर, ये अदालत में गया, अभी अदालत कुछ राय हो आ गया जो अडानी जी का फेवर में है, कुछ केसेस अभी भी चल रहे हैं, ये सारे जो मैंने, भारत सरकार का राज्य मंत्री है, वित्त मंत्रालय, उन्होंने कहा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है,
तो सवाल उठता है कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, अगर कोर्ट का कुछ राय आता है, सरकार अगर ये इनका बात मानते हैं नहीं मानते हैं, DRI अपना आरोप है, आज आरोप लिया और कल हम अपने आरोप बोलते हैं ये बेबुनियाद है, अगर ये होगा तो हाँ सबको मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मगर अभी ये अधिकारी कैसे एक्शन लेंगे, हम आप जानते हैं कि जब ये सब चल रहा है तो अडानी साहब प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में श्रीलंका, बांग्लादेश, इसराइल जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उनके साथ SBI की चेयर भी जा रही है, वहीं लोन का अप्रूवल भी हो जा रहा है, तो कौन सा अधिकारी जो है वो इसमें जांच करेगा या कुछ इनको सख्ती करेगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये चाइनीज कनेक्शन क्या है? आपने चार सवाल उठा दिया प्रशांत जी, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले सुनिए ऑस्ट्रेलिया का कहानी। वहां पे अडानी जी आज नहीं 10-12 साल पहले उन्होंने कहा विश्व के सबसे बड़ा एक कोयला खनन का काम हम बनाएंगे क्वींसलैंड करके। वहां पे आंदोलन चला, वहां के नागरिक समाज के लोग, वहाँ के आदिवासी या एबोरिजिनल लोग, तो फिर विदेशी जो वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनको ऋण नहीं दिया, कर्ज नहीं दिया, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसको छोटा करना पड़ा। कम से कम जो अगर 12 साल पहले कहा हम 100 बनाएंगे, आज वो गिर के 20 हो गया, मतलब इट इज बिकम 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रपोज साइज। फिर भी काम चल रहा है, वहां से कोयला उत्पादन हो रहा है और शायद भारतवर्ष में भी आ जाएगा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का कहानी। जब मोदी जी के साथ भारतीय स्टेट बैंक का जो चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य और अडानी जी गए थे, उस समय एक MOU कि हम पहला बार एक भारतीय बैंक और भारतवर्ष के सबसे बड़ा बैंक $1 अरब देंगे कर्ज, मगर वो नहीं हुआ क्योंकि स्टेट बैंक के जो बोर्ड है उन्होंने माना नहीं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कहानी और भी लंबा है, मगर ये संक्षिप्त में मैंने बताया। आप बांग्लादेश चले जाइए, बांग्लादेश में बहुत आश्चर्य एक प्रोजेक्ट है। आप कोयला इंडोनेशिया से लाएंगे जहाँ कोयला का खनन हो रहा है, जो अडानी जी इसका क्या कहते हैं प्रबंधन करते हैं, ऑपरेशंस है इनकी। आप ऑस्ट्रेलिया से कोयला ले आएंगे, आप जहाज में ले आएंगे, समुद्र में उड़ीसा ले आएंगे धामरा पोर्ट में, वहाँ से रेलगाड़ी में झारखंड जाएंगे गोड्डा में, वहाँ जमीन किस तरह से भूमि अधिग्रहण हुआ, किस तरह से बहुत सारे लोग, वो अलग है, लंबा कहानी है। सॉरी मैंने और कुछ कह दिया ना? नहीं, गोड्डा झारखंड, हाँ मैंने और कुछ कहा, सॉरी गोड्डा झारखंड में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वहां का लोग कहा कि यहाँ पूरा नियम बदल गया, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। ये जब रघुबर दास झारखंड का मुख्यमंत्री थे, वहां का लोग अत्यंत चिंतित है कि आप बिजली उत्पादन यहाँ पे हमारा जमीन में कर रहे हैं, हमें क्या फायदा मिल रहा है, पूरा जो बिजली है वो बांग्लादेश जा रहे हैं। वहां पे भी एक और काफी लंबा विवाद हो गया, क्योंकि आप उनका जो एग्रीमेंट अगर देंगे, आप देखेंगे आप किस तरह से उनको पैसा दे रहे, और 100 रुपये का में आप बिजली बेच रहे हैं, मगर उसका कीमत होना चाहिए था 33। तो बांग्लादेश में भी हमारे साथ जो काम करते हैं, हम एक साथ काम करते हैं रवि नायर, ये पूरा एक्सपोज कर दिया अडानी वॉच में। इसका ऊपर चिंता वॉशिंगटन पोस्ट में, वहाँ का बांग्लादेश का पावर, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का जो भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल है, निर्देशक है, उन्होंने खुद कहा कि शेख हसीना मोदी जी का दोस्त के लिए ये सब किया। तो वहां पे एक बहुत विवादित विषय हो गया, नेगोशिएशंस चल रहे हैं इस विषय में, बहुत सारे लेख आए हैं कुछ दिन पहले, अल जजीरा में भी एक लेख है, और समय बताएंगे कि अभी अभी बांग्लादेश में भी चुनाव हो रहे हैं। अच्छा सुन लीजिए, अभी इसराइल का कहानी तो आपने बता दिया, श्रीलंका का कहानी, वहां 2-3 कहानी चल रहे।
एक जगह वहां का बिजली बोर्ड का जो हेड है एक सांसदीय समिति के साथ बोला कि हमें बोला कि इसको दे दो ठेका, फिर बाद में बोला नहीं 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 हम उत्तेजित हो गए थे, हम जो कहा था हम वापस ले रहे, मगर सबके सामने कहा, यूट्यूब में है, एक सांसदीय समिति के पास है। राजापक्षा बोला हमने तो कभी नहीं बोला, अडानी जी ने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा, मगर बिजली बोर्ड का जो भूतपूर्व चेयरमैन हेड है उन्होंने खुद कहा कि हमें बुलाया गया है, ये दो सरकार के बीच है, इनको दे दो ठेका, ये भारत सरकार का काम है। तो यहाँ पे भी एक विवाद है। इससे पहले भी कोलंबो का जो पोर्ट है, जो समुद्र का बंदर है, वहाँ पे भी एक एक बड़ा ठेका है अडानी जी को मिला। मतलब आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था अंदर, हमारे अंदरूनी अर्थव्यवस्था ने हमारे विदेश नीति के ऊपर भी एक असर पड़ा है। ढाका चले गए थे हमारे हमारे सचिव, विदेश सचिव। अच्छा, आखिरी जो आपने सवाल उठाया चीन के बारे में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में है, हम लोग का जो रिपोर्ट आया है इसमें भी है, अडानी जी कारोबार करते हैं चीन के साथ, वहां से वहां का अलग अलग मशीन, बिजली उत्पादन का मशीन, बहुत सारी चीज उन्होंने आयात करते हैं। उसके एक चीन का एक बिजनेस एसोसिएट है, उनका नाम है चैंगचुंग लिंग, तो उनके साथ एक उनका संपर्क है। तो उनका बेटा एक जहाज का मालिक है, और ये जहाज का मालिक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बोला आप उत्तर कोरिया के साथ कारोबार कर रहे हैं, और ये दिस इज अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस। तो ये पहला बात हमने, मैं और रवि नायर ने अडानी वॉच में ये लेख लिखा। एक और लेख हमने अभी अभी एक लिखा। मिनट, इसको 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 क्लैरिफाई कर लेते हैं। यानी यूनाइटेड हाँ नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस बिजनेसमैन को प्रतिबंधित किया हुआ है जिस उसके कंपनी साथ को, अडानी जिस जहाजों को, बिजनेस, जी उसके साथ अडानी जी का बिजनेस पार्टनरशिप है। जी बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, फिर यही भाई साहब चैंगचुंग लिंक और विनोद अडानी जी एक कंपनी चलाते हैं, ये सीबीआई आज नहीं 3 साल पहले एक जांच किया कि आंध्र प्रदेश में वहां पे बिजली उत्पादन एक सरकारी, एक राज्य सरकार के एक संस्था है, उसको ठेका मिला, मगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ, दो कंपनी थे, और ये आरोप सीबीआई का जांच चल रहा है। तो इसके साथ भी ये भाई साहब चैलिंक का एक कंपनी है, उसके साथ भी संपर्क है। तो इस विषय के ऊपर भी अब अडानी वॉच में हमारा लेख आ गया है। तो मेरा कहना है जो सरकार हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के बात करते हैं, ये सारे इनके पास सूचना है या नहीं है? आप आज हमारे सेनाओं के लिए, हमारा नौसेनाओं के लिए, हमारे स्थल सेनाओं के लिए, हमारा वायु सेना के लिए आपने अलग अलग जो ड्रोन्स बनाते हैं, यूएवीज, ये अडानी जी एक इसराइल का एक एक कंपनी के साथ इनका एक समझौता है। आप विमान बंदर की बात कर रहे हैं, आप हवाई अड्डा की बात कर रहे हैं, आप समुद्र बंदर की बात है, तो आप एक निजी कंपनी को सारे मोनोपोली हो जाता है, ये देश का हित है कि नहीं, ये सवाल लोग उठा रहे हैं, ये जनहित में है कि नहीं, लोग सवाल उठा रहे हैं। आपने मुंबई एयरपोर्ट के बारे में कहा, नीति आयोग ने बोला ऐसा मत कीजिए, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उन्होंने बोला इस तरह से मत कीजिए, माना नहीं, प्रधानमंत्री का दफ्तर बोला कि चलो आगे बढ़ो, और मिल गया। पुराने जो कहानी थे आज बदल गया। मुंबई एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, देखिए सीबीआई जीवी के ग्रुप के ऊपर लगा, फिर एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, आयकर विभाग का जांच, बहुत ये लंबा कहानी है। आपको, आपका दर्शक और आपका पाठक को हम कह रहे हैं कि न्यूज क्लिक में एक लेख आया, हाउ विल अडानी बिकम इंडिया बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर, आप पढ़िए, लंबा लेख है, आपको मालूम पड़ेगा। आज ये हमारे रेड्डी का बेटा संजय रेड्डी कह रहे कि नहीं नहीं हमें तो किसी ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला, हम अपने अडानी जी को, ये संजय रेड्डी का बात है, एएनआई में उन्होंने साक्षात्कार में ये सब कहा।
मेरा कहा कहना यह है कि यह कहानी थोड़ा जटिल है, यह कहानी थोड़ा लंबा है। किस तरह से अलग अलग जगह में हवाई अड्डा का नियंत्रण एक घराने के कंपनियों को मिला, ये बहुत एक लंबा चौड़ा कहानी है। तिरुवनंतपुरम, जयपुर, लखनऊ, असम, मुंबई, हाँ जी, पॉलिसी बदली गई उसके लिए। एक बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रीपेमेंट का साइकिल है। अभी हम देख रहे हैं कि डीबी पावर, अब अडानी ग्रुप के ऊपर स्ट्रेस है, दबाव में है। डीबी पावर नहीं खरीद पाए, मुंड्रा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को हॉल्ट कर दिया, इसराइल का हाइफा पोर्ट को का काम रुक गया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रुक गए उनके। फ्रांस का टोटल एनर्जी हाइड्रोजन वो भी रोक दिया। $2 बिलियन का उनको लोन देना था, उन्होंने रोक दिया। ऐसे बहुत सारे बातें सामने आ रही हैं। अब जो रियलिस्टिकली अगर आप देखते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि अडानी साहब के जो मौजूदा एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, अंबुजा सीमेंट पे भी संकट के बादल हैं, धारावी मुंबई का धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी अदालत में केस चल रहे हैं जी। तो अब इनका जो असेसमेंट आप कैसे कर रहे हैं, क्या अडानी इतना बड़ा एम्पायर सस्टेन कर पाएंगे आगे आने वाले वक्त में? $10 लाख निकल चुका है इन्वेस्टर्स का। प्रशांत जी, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, भविष्यवाणी करना मुश्किल काम है, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। जिस रफ्तार से अडानी समूह को आगे बढ़ पाया, अभी कहा 2014 में जो लिस्ट आते थे ना, सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे, उस समय अडानी जी का नंबर था। हाँ, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 में उनका नंबर था 609, उसका 609, 2022 में दो नंबर पे पहुंच गए, विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति में नंबर 2 था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के पहले वो 3 नंबर स्तर में थे। जी, मैं समझता हूं कि बात कर रहे हैं ऐसा 26 नंबर पे। मैं समझता हूं अभी जो आने वाले आपने ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट का कह दिया, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किस तरह इसके असर क्या पड़ेगा राजनीति के ऊपर, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। हम देख रहे हैं कि सारे विरोधी दल इकट्ठा रहेंगे, ये एक विषय बनेगा, एक मुद्दा बनेगा, राजनीतिक मुद्दा। देखिए, ये सारे सवाल का जवाब देना आसान काम नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, सिर्फ भारतवर्ष का राजनीति में नहीं। आप देखिए, पूरा अलग अलग जगह में आपने अभी हमने बात किया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रशिया का बैंक से इन्होंने पैसा लिया, ये हिंडनबर्ग कंपनी रिसर्च है, अमेरिका का है। तो एक तरह से ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो गया, क्योंकि आप कह रहे थे गौतम अडानी जी विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में 2 नंबर में थे, 3 नंबर में थे। तो ये सिर्फ भारतवर्ष के एक मुद्दा नहीं है। आप देखिए, विदेश में जो बड़े बड़े मीडिया संस्था है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फोर्ब्स, फाइनेंशियल टाइम्स, बाकी नहीं रहा, सब लोग हर रोज कुछ ना कुछ नया लेख आ रहा है। अडानी जी जब NDTV खरीद लिया, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि NDTV, अल जजीरा और फाइनेंशियल टाइम्स के, आप खुद फाइनेंशियल टाइम्स पढ़िए, आप अल जजीरा पढ़िए, वही आपको बता देंगे कि किस तरह का अडानी का जो साम्राज्य है, जिस रफ्तार से बढ़ा, कर्ज के ऊपर बढ़ा, इस रफ्तार से आगे बढ़ना शायद असंभव है उनके लिए।
एक आखिरी सवाल आपसे कि आपकी अडानी से 2 बार मुलाकात हुई है। बार टेलीफोन में भी बात हुई है। हाँ, वो मुलाकातें कैसे हुई हैं, क्या बातें हुई उसमें? प्रशांत जी, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। पहला बार जब मैं अडानी जी से मिला, उनका जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस का एक लड़का ने वो मीटिंग ठीक किया, वो मुंबई में, और मेरे साथ मेरा उस समय एक सहकर्मी भी थे। हम दोनों 1 घंटा बिताया उनके गाड़ी में, उनका मर्सिडीज गाड़ी में। हमने मुंबई में बांद्रा से वर्ली तक गया, वहाँ से नरीमन पॉइंट में ओबरॉय होटल में लगभग 1 घंटा बिताया। मगर ये भाई साहब जो हमें उनको क्या कहते हैं, हमें ये इंटरव्यू या ये मीटिंग किया, उन्होंने बोला सिर्फ एक कंडीशन में आपको मैं मीटिंग करूँगा, सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्डर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैमरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अडानी जी का अनुमति लेके कुछ कागज़ में कुछ नोट बनाया। तो इसीलिए मैं समझता हूँ मैं पत्रकार हूँ, अगर आपके साथ मेरा कुछ बात होता है और मैं कहूँगा प्रशांत जी और किसी को मत बताइए, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये बात है। ये है आपका मई 2017 में पहला बार अडानी जी से मैंने मिला। दूसरी बार मैंने मिला फरवरी 2021 में। हमारे वकील साहब, उस समय हम लोग 5 थे, हमारा वकील साहब, मैं, मेरा पत्नी, अडानी जी, और अडानी जी का वकील साहब है, उनका वकील, वो सलाहकार है, लीगल एडवाइजर है। हम 5 लोग अडानी जी का दफ्तर में, शांति ग्राम करके एक जगह है आपका, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच है, हम लगभग 2 घंटा, 1 घंटा 55 मिनट हमने बात किया। हमारा वकील साहब हमें बोला कि ये मीटिंग हम कर रहे हैं, अगर अडानी जी वापस ये केस ले लेंगे, और ये भी उन्होंने बोला कि जो भी होगा एकदम गोपन, ऑल एवरीथिंग इज ऑफ द रिकॉर्ड, आई वॉज स्वॉर्न टू सीक्रेसी। तो इसीलिए मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तीसरी बार अभी अभी कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद मैंने एक अडानी जी को एक व्हाट्सएप में एक टेलीफोन लगाया। मैं उनको पहले एक मैसेज भेजा और उन्होंने जवाब, मैं आश्चर्य हो गया कि उन्होंने फ़ोन किया। और हम तब अडानी जी बोला क्यों आपने फ़ोन किया? मैंने बोला अडानी जी मैं निवेदन कर रहा हूँ विनम्रता से, आप ये सारे केस वापस ले लीजिए। 15 मिनट के आसपास हम लोग को बातचीत हुई, मगर इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। तो समय बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। मैं अडानी जी के साथ, ये मेरा तीसरी बार संपर्क हुई, 2 बार मैंने एकदम वन ऑन वन हुई, एक बार 1 घंटा, दूसरी बार 1 घंटा 55 मिनट। तो आप जिस मतलब पेशा इसका में हैं, लबो लबाब ये रहा, दो दो मीटिंग और एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद फोन कॉल, तो अडानी जी ने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए और आपने लिखना बंद नहीं किया। प्रशांत जी, हमें बहुत लोग आते हैं हमारे पास कुछ सूचना लेके, बहुत कुछ कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये तो मेरा जिम्मेदारी है कि आप हमें कुछ कह रहे हैं, ये सच है या झूठ है, क्या एकदम बेबुनियाद है या क्या सच है, यही हमारा काम है जी। मैं 45 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ। आखिरी आप आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल की, क्योंकि आप अडानी जी के मुकदमे झेल रहे हैं, उनसे मुलाकात भी हुई, खूब लिखा आपने, अभी भी लिख रहे हैं, किताब आपकी आने वाली है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अडानी की स्पीच के बाद ही राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा तेज हुआ और उनकी मेंबरशिप गई। आपको लगता है कि ये जो तार हैं ये मिले हुए हैं? ये भी सवाल थोड़ा स्पेकुलेशन के बात है, मगर जो वास्तव है ये सबको मालूम है। राहुल गांधी जी फरवरी का 7 तारीख के दिन लोकसभा में कह दिया, कुछ जो भी कहना था वो कह दिया। उसके बाद ये जो पुराने मामला है, जो कोलार कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने क्या कहा, ये मानहानि हुई कि नहीं, कौन सा अदालत में, उसके जो 2 साल का क्या कहते हैं कन्विक्शन हुई है, और फिर देखा जाएगा, और फिर बाद में आप जानते हैं लोकसभा से उसको डिस्क्वालिफाई किया गया, ये सारे वास्तव है। ये सारे घटना के बीच क्या संपर्क है, मैं समझता हूँ हमारे देश के जनता, आप जैसे
पत्रकार हमारे देश का जनता समझदार है, वो समझते हैं। आप उनसे पूछिए कैसे डॉट कनेक्ट करते हैं, नहीं आप जानते हैं मैं कौन सा स्थिति में हूँ। आप मेरे बीबी से बात कीजिए ना, ही वॉज एन एकदम नर्वस हो गए थे। वो बोला तुम पागल हो गए हो क्या, तुम शहीद बनने चाहते हो, तुमको जेल डालने चाहते हैं, क्या होने चाहते हो, गांधी जी बनने चाहते हो, ये सब हमें तो सुनना पड़ा ना। तो देखिए जो भी सच है, जो भी वास्तव है, मैं समझता हूँ एक दिन ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। सत्यमेव जयते, हमारे संविधान में हम सत्य में विश्वास करते हैं और सत्य के लिए हम संघर्ष करने की। आज की बातचीत को परंजय जी यहीं पे विराम देते हैं इसी बात के साथ। और दोस्तों, अडानी ग्रुप पे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे, अडानी के बिजनेस पे और जो आरोप लगे हैं उन पे बहुत घंटों बात हो सकती है परंजय जी से, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उसको ढूंढ के पढ़िए। और परंजय जी की किताब भी आ रही, शायद रवि नायर के साथ आ रही है। जी हाँ, और आबिर दासगुप्ता के साथ भी आ रहे हैं, हम तीनों मिलके, और बहुत सारे लोग हैं हमें मदद कर रहे हैं। उस किताब का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया परंजय जी, और नमस्कार दोस्तों। अगली बार जल्दी ही किसी और खास मुद्दे पर किसी और खास शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी।